तो जैसा कि टाइटल से हमको पता चल रहा है, हम आज लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू 10th टर्म 1 सिलेबस जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इन 50 क्वेश्चंस में हम हमारे एमसीक्यूज भी लेंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी लेंगे और केस स्टडीज भी लेंगे, एंड ऑल विल बी कमिंग फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर ओनली। तो एक तरह से ये आपका लाइफ प्रोसेसेस का रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर बेस्ड। आप एक काम ये करेंगे कि कोशिश करें कि मैं जैसे क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको देखेगा भी स्क्रीन पर क्वेश्चन, उसमें ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं, तो आप उसको पॉज करके अपने आप से आंसर चेक करने की कोशिश करें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है ना, आपको आता है या नहीं आता है, ये बात पहले देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो तो देखें, सबसे पहले तो कि हमारा ये है कि वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू। मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या होती है, जो कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का मेंटेनेंस करें, टूट फूट ठीक करें, डैमेज कंट्रोल करें, ये सब बातें। तो सर्वाइवल, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिकली फॉर सर्वाइवल। मेंटेनेंस प्रोसेसेस प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी, डैमेज एंड ब्रेक डाउन, रूटीन प्रोसेस, रिलीज एनर्जी, ये सब ऑप्शंस नहीं है। ऑल द सोर्सेस ऑफ एनर्जी नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन द बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्म एनर्जी, एक जैसा एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यूनिफॉर्म एनर्जी है, दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द सेल्स, और ऑल द सेल्स कैन यूटिलाइज देम। तो ऑल द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अलग अलग तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम उनको यूनिफॉर्म कर दे रहे हैं, हाँ, जैसे भी एनर्जी आ रही है हम उसको यूनिफॉर्म कर दे रहे हैं, दैट इज टू बी यूज्ड इन द बॉडी। द रीजन फॉर सिंगल सेल डिफ्यूजन इनएफिशियंट, सिंगल सेल डिफ्यूजन इनएफिशियंसी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज, सिंगल सेल डिफ्यूजन इन एफिशियंसी का मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन के थ्रू किसी सेल में कोई यूजफुल सब्सटेंस पहुंचा देना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो उसकी इन एफिशियंसी है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसके लिए एफिशियंट नहीं है, है ना। क्यों एफिशियंट नहीं है उसके पीछे हम रीजन देखेंगे। सेल डिफ्यूजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सेल डिफ्यूजन उतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो नहीं है, प्रोसेस तो ये इजी है। बिग साइज एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, यस, बी जो बात कह रहा है उसमें लॉजिक है, इसको हम रख लेते हैं। सेल डिफ्यूजन रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम, नहीं ऐसी बात भी नहीं है। सेल डिफ्यूजन इज रादर अ सिंपल प्रोसेस टू बी कैरीड आउट इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। बी इज एक्चुअली द हर्डल, कि बहुत बड़ा साइज है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, तो डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में या किसी भी सेल तक कोई पर्टिकुलर चीज की सप्लाई जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, बिग साइज एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्या है कि वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म, किसकी हेल्प से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज करेक्ट आंसर है। हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, सिस्टम बना हुआ है, वेरियस बॉडी पार्ट्स एक सिस्टम की तरह से काम कर रहे हैं, और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्व टिश्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, इस वजह से वो काम कर पाते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब सारे स्टेटमेंट अलग अलग हमको देखना पड़ेंगे। वी डोंट नीड एनर्जी व्हाइल नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, मतलब हम अगर कुछ नहीं कर रहे बैठे हुए हैं तो हमको एनर्जी की जरूरत नहीं है, पहला स्टेटमेंट हमको तो गलत दिख रहा है।
कि ये तो गलत बात है। एनर्जी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लगातार चाहिए। हम व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी और वी आर जस्ट स्लीपिंग देन ओनली देन आल्सो वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म द इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शन। तो पहला ही हमको यहाँ पे गलत दिख रहा है। फिर उसके अलावा देखें बी पढ़ना तो सारे पढ़ेंगे क्योंकि वी रिलीज एनर्जी एंड फील टायर्ड वाइल डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। ये तो ठीक है, हम एनर्जी खर्च करते हैं तो थक जाते हैं। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ बॉडी, ये भी ठीक है। आवर बॉडी नीड्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन टू डेवलप, ये भी ठीक है। तो बस वो पहला वाला ये गलत था, ए ऑप्शन कि वी डोंट नीड एनर्जी व्हाइल नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। The heterotrophs survival depends directly or indirectly upon heterotrophs का directly indirectly autotrophs के ऊपर survival dependent होगा, क्योंकि खाना तो उनको या तो directly उससे मिलता है अगर वो herbivores हैं तो, और या फिर वो अगर carnivores हैं या और omnivores हैं तो उनको carnivores से या plant से कहीं ना कहीं से खाना, मतलब herbivores से या plant से कहीं ना कहीं और से खाना मिलेगा। तो autotrophs is the करेक्ट ऑप्शन, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही उनका किसी डिपेंडेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि सब्सटेंस जो है वो बाहर से लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर भी लिया जा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये रॉ मटेरियल को लेकर के और फिर उसको हम स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी स्टार्च में बदल देते हैं, तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। ह्यूमन बॉडी स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, ये बात भी हम कर चुके पहले कि अगर प्लांट्स में स्टार्च है तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज इंसुलिन ग्लाइकोजन फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। द ग्रीन ऑर्गेनेल और सरफेस ऑफ लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर नोन एज, ऐसा ग्रीन ऑर्गेनेल ऑन सरफेस ऑफ लीव कंटेनिंग क्लोरोफिल नोन एज जाइलम, जाइलम लीव की सरफेस पे होने का कोई रीजन नहीं है। एपिडर्मिस क्लोरोप्लास्ट वेस्कुलर बंडल। अब आप देखो कि ये बात हो रही है कि सरफेस ऑफ लीव्स, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का गड़बड़ है ना, ये इनसाइड द सेल होता है, ये होना चाहिए क्लियर। बाकी आंसर क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि कंटेनिंग क्लोरोफिल होता है। ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के अलावा कोई और चीज़ है, तो ये हमारा आंसर तो सी है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी फॉल्टी है। The purpose of closing the pores of the plant, in stomata ka closing when it doesn't need photosynthesis is to save water, to save energy, to save food and none of the above. So obviously save water, क्योंकि water जो है वो open stomata में से transpire करेगा, transpiration लगातार होता रहेगा and that will be an unnecessary loss of an important substance called water. Most of the plants nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from aquatic sources, soil, mountains and sea water. अब आप देखो कि aquatic sources मतलब पानी के sources, तो पानी का source ऐसा कोई हर plant पानी में रखा हुआ ऐसा तो है नहीं। जो water है जो plants को मिलता है वो भी soil के बीच में जो gap है वहां से मिलता है, वहाँ पे वाटर कैपिलरीज बनी हुई हैं उनमें से रूट्स को वाटर मिल जाता है और उसमें डिजॉल्व फॉर्म में नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन मैग्नीशियम जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। 8th क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, 9th क्लास में भी एग्रीकल्चर के बारे में एक सेगमेंट है, हालांकि आप लोगों के सिलेबस से वो हटा दिया गया था। तो उसमें नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस जो होते हैं जो कि हमारे मैन्योर में डाले जाते हैं वो इन्हीं सब में इसी तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये सब जो है ये सॉइल के थ्रू मिलते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑर्गेनिजम्स हु ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड देयर बॉडी, ये केवल फंगस के साथ में होता है, मतलब कि उनके साथ में होता है जो कि सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। फंगस सेप्रोट्रॉप है ना, फंगाई वायरस टेपवर्म नन ऑफ द अबव, फंगाई इज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रोकन डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इन अमीबा इज डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म राइबोसोम डीएनए मीजोसोम। अब देखो अमीबा जो है, अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देखा होगा, डाइजेशन देखा होगा, हमने कहा था कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि अमीबा में भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि अमीबा की जो बॉडी है उस बॉडी में भी उसी तरह का काम हो रहा है जो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज टेकन अप बाय द सिंगल सेल एंड देन इट इज डाइजेस्टेड इनसाइड, इसका डाइजेशन होता है इनसाइड अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेशन कैसे होता है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो ब्रेक डाउन कर देंगे फूड का और फिर फूड को रिलीज करना है, तो वो क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही है फूड वैक्यूल, तो ये साइटोप्लाज्म में ही हो सकता है। राइबोसोम का कोई लेना देना नहीं है, वो तो ग्रैनुल्स छोटे छोटे हैं, डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस है, तो बेसिकली यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग आउट ऑफ दीज, आप सिंपली इसमें लिख दें साइटोप्लाज्म। वाटर लाइक फ्लूइड इन आवर माउथ इज सीक्रेटेड, हमारे माउथ में वाटर लाइक सलाइवा होता है एंड दैट मस्ट बी सीक्रेटेड विद द बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, तो पैनक्रियास थायराइड एंड पिट्यूटरी ये सब तो इनका तो बकल कैविटी से, माउथ से कोई लेना देना नहीं है, ओनली सलाइवरी ग्लैंड्स डू दैट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ा है तो आपने देखा है कि HCl जो है वो हमारे स्टमक में ऑक्सेंट्रिक सेल्स या पेराइटल सेल्स से रिलीज होता है और उसका फंक्शन है टू एक्टिवेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द स्टमक। अब स्टमक में प्रोटियोलिटिक एंजाइम यानी प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम कौन सा है उसके बारे में सोचो, वही हमारा आंसर होगा। हाँ तो केराटिन कोलाजन इलास्टिन एंड पेप्सिन, बाकी तीनों से कोई लेना देना नहीं, पेप्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, द डैश डिलीवर्स द डाइजेस्टिव जूस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड डक्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन कौन रिलीज करता है, हमें याद आता है कि पैनक्रियास करता है, पैनक्रियास जो जूस रिलीज करता है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है। That will deliver the digestive juice to the small intestine through small tube called ducts. तो वो जो duct होती है वो liver के साथ में निकलने वाली एक duct के साथ में combine हो जाती है और उसको हम बोलते हैं hepatopancreatic duct. उसके अलावा gallbladder होता है, gallbladder में bile juice होता है, bile juice भी digestion में help करता है। Options देखते हैं, stomach, stomach के तो होने का कोई chance ही नहीं, pancreas, yes, large intestine, no, anus, no, so pancreas is the correct option. The inner lining of the dish has numerous finger-like projections called villi which increase the surface area for absorption. I know that you have proper knowledge about this, we call it small intestine. Small intestine mein absorption hota hai, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड, जहाँ फाइनल डाइजेशन होगा एब्जॉर्प्शन भी वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, तो इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है और एब्जॉर्प्शन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन वी हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाय। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट टेक प्लेस इन, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, याद है आपको, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो साइटोप्लाज्म ए इज द करेक्ट ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अदर ऑप्शंस हैं। पाइरूवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, इट इज अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। द रेस्पिरेटरी रूट ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन इज नोस्ट्रिल्स फेरिंग्स, हम उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, सही है, लैरिंग्स ये भी सही है, ट्रैकिया और ट्रैकिया के बाद में एल्वियोलाय, रूट तो सही है, हालांकि ट्रैकिया के इमीडिएटली आफ्टर ब्रोंकाई ब्रोंकियोस एंड देन एल्वियोलाय होता है, लेकिन वो सब इन्होंने बताया नहीं है।
बाकी इन दोनों में नॉस्ट्रल्स लास्ट में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर बाहर से अंदर आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी में देखिए नॉस्ट्रल्स के बाद में ट्रैकिया सीधे आ गया, फेरिंग्स बाद में आया है, तो डी गलत है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड डैश इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड कौन से फ्लूइड मीडियम में, यानी ब्लड का फ्लूइड मीडियम जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा इज द करेक्ट ऑप्शन। आरबीसी प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, ब्लड की सेल्स। इन हायर वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। हार्ट से बॉडी पार्ट्स के बीच में जो मूवमेंट होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। जो लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन होता है उसको हम पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स का सिक्रीशन बोलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यूज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका डायग्राम भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर डी लिखा हुआ है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड को लेकर के जाएगा हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, हार्ट टू लंग्स भी लिखा है, ये भी सही है, लेकिन आपको ऑप्शन यहाँ पे हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बोलना है, क्योंकि ये आप सेलेक्ट कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि केवल लंग्स में जा रहा है, वेरियस ऑर्गन्स में लंग्स भी आते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हार्ट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय। हार्ट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रिट्रो पेरिटोनियम मसल्स, पेरिकार्डियम, लंग्स। ये आपके बुक में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये बात आप याद कर लें कि हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, प्लाज्मा का कलर क्या होता है। अब एक्चुअली प्लाज्मा जो है वो थोड़ा पेल येलो कलर का होता है। प्लाज्मा के अंदर जो रेड कलर का हम की तो वेसल्स होती हैं, रेड कलर का प्लाज्मा नहीं हो सकता है ना। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा का खुद का जो कलर, अगर हम आप समझो कि सारी सेल्स निकाल दो उसमें से, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और बाकी सब कंपोनेंट्स निकाल दो, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली प्लाज्मा। वो थोड़ा पेल येलो कलर का होता है। विटामिन डैश हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, आपने ब्लड में ब्लड के कंपोनेंट्स जब देखे तो आपने देखा होगा कि जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और हमने कहा कि जब चोट लग जाती है हमको किसी तरह की, जब हमको इंजरी हो जाती है, हमारी स्किन पर कुछ कट आ जाता है और उसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लीडिंग इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि एक स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन होता है जिसको हम थ्रोम्बिन बोलते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है एयर को। ये थ्रोम्बिन ही रिस्पॉन्सिबल है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं वो हमारे ब्लड को क्लॉट बना करके, थ्रोम्बस फॉर्मेशन करके इस तरह से बहने से रोकते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा इसमें कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स जो है, जो क्लॉटिंग का काम करता है, उसमें विटामिन के इज वाइटल है ना, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के जो होता है वो हमको यहाँ पे हेल्प करता है जिससे कि क्लॉटिंग हो सके। तो इसमें विटामिन के आप याद कर लेना। फिर देखो, द वॉटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय। स्टोमेटा से वाटर तो चला गया, अब वाटर जब चला जाएगा कैसे चला जाएगा, इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन होगा तो बाकी पानी ऊपर चलेगा, वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ, जाइलम वेसल से लीफ में आ जाएगा। वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग वेसल्स, फ्लोइंग वेसल्स वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती। वेन्स इन द लीफ, वेन्स डेफिनेटली लेके आती है ना, वेन के अंदर भी जाइलम ही होता है। तो द
डायलम वेसल्स जो है वो लीफ में वाटर लेके आएंगी, फिर उसके बाद में उसका लीव्स का एक वीनस सिस्टम होता है, मतलब वीनेशन होता है उसका। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जब आप किसी लीफ का स्ट्रक्चर देखते हो तो उस लीफ पर एक मिडरिब होती है, फिर उसके अलावा उसका इस तरह का वीनेशन होता है, हाँ, कई सारी वेन्स निकलती हैं और वेन्स की ब्रांचेस भी निकलती हैं और पूरी लीफ में दिस इज द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स रहता है। ठीक है, तो ये जो वेन हैं इनका काम है थ्रू आउट द लीव्स हमारा वो पहुंचाना, वाटर को पहुंचाना, लेकिन ये अपने लोकल एरिया में ही वाटर की सप्लाई कर रहे होंगे। वाटर जब निकल जाता है तो लीफ में वाटर कहां से आया, दैट इज द क्वेश्चन। तो दैट इज वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। ये कंटिन्यूअसली जाइलम वेसल्स के साथ में जुड़ा हुआ है, ब्रांचेस भी और लीव भी, तो इन पर किस तरह से ये पहुंच जाता है। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रांसलोकेशन इन द इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स डिलीवर। ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं याद करें, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द प्लांट्स। फ्लोएम का फंक्शन है, मिनरल फ्रॉम लीव्स नो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स नो, वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ठीक है ना, तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, यानी ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारा फूड है। हालांकि इसके अंदर आप ये देखें कि ग्रोथ हार्मोन लिखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन भी इसके अंदर मूव कर सकता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मिनरल्स फ्रॉम द, वैसे मिनरल्स जो होते हैं वो तो वाटर के साथ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ फूड भी हो सकता है। बेसिकली तो देखो हम ये कहते हैं कि ट्रांसलोकेशन का मतलब फूड का मूवमेंट, लेकिन यहाँ जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसमें ऑल ऑफ द अबव एक बेटर ऑप्शन हमको दिखता है। ये ऑप्शन डी ऑप्शन बेटर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, है ना, तो डी ऑप्शन बेटर ऑप्शन है। व्हेन द मटेरियल्स लाइक सुक्रोज आर ट्रांसफर्ड टू फ्लोएम टिश्यू, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू डैश लीडिंग टू द डैश ऑफ वाटर इनटू और फ्रॉम इट। हाँ, वाटर एंटर करता है तो हम इनटू लिखेंगे, वाटर बाहर निकल जाता है एग्जिट करता है तो हम फ्रॉम इट लिखेंगे। तो इस बात को समझें कि सुक्रोज एक टाइप का शुगर है जो कि एक्चुअली फूड का पार्ट है, जिस फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लिखा है, मटेरियल है सुक्रोज आर ट्रांसफर्ड टू फ्लोएम टिश्यू, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू उसको इंक्रीज होना पड़ेगा लीडिंग टू एंट्री ऑफ वाटर, क्योंकि उस वाटर के साथ ही सुक्रोज में आना है। तो ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ना, ये तो आपको पता ही है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, वी कॉल इट एक्सक्रीशन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिमूव होता है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। तो लंग्स ऑर्गन है, तो किडनी ऑर्गन है जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा या यूरेटर, इस तरह के ऑप्शन जो है ये तो सपोर्टिव है, है ना, तो यहां पर हमारा ऑप्शन किडनी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें।
Which of the main toxic waste that kidney filters from the blood? मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अगर यूरिया और यूरिक एसिड अलग अलग जगह लिखा हो तो यूरिया ऑप्शन आपने टिक करना है. द फंक्शनल यूनिट मतलब यूरिन जो है उसमें यूरिया यूरिक एसिड दोनों होते हैं, लेकिन दिस इज द मेन टॉक्सिक वेस्ट यूरिया. द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. सीधी सी बात है, पता है आपको. आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायफ्राम, डायलिसिस, ईसीजी, इलेक्ट्रोलिसिस. आपको याद आ गया होगा हम इसको हीमोडायलिसिस या ओनली डायलिसिस बोलते हैं. नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट, हमने आपको मिलिंदा मैक्स में कई बार पूछा है, दिस इज 180 लीटर पर डे. हाँ मतलब इतना इनिशियल फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद आता है, दैट हैज टू बी पास थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स सो दैट द यूजफुल सब्सटेंसेस कैन बी सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड. स्वेटिंग इज मेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सही बात है. रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, ये भी सही बात है. रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ये भी सही बात है. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आप लिख सकते हो. ऑक्सीजन इज अ मतलब स्वेटिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन ऑल्सो, ये बात ध्यान रखें. ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस जिसके थ्रू ऑक्सीजन बनती है, अदरवाइज ऑक्सीजन का कम यूज ही होता रहता है. समझे गए. फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे. मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर स्टोर्ड इन. अब यहाँ पे सेल की जो वैक्यूल होती है उसमें प्लांट वेस्ट स्टोर रहता है. क्लोरोप्लास्ट में हो नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में भी नहीं होता है. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस जो है उसमें हमारी बॉडी, हालांकि ये जो चीज़ है ये आपकी बुक में ये डिटेल्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जो पेयर्स होते हैं वो 3 टोटल 6 ग्लैंड्स मिलती हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में, नीचे ऊपर सब अलग अलग जगह पर. तो 6 ग्लैंड्स होती हैं, उनकी पेयरिंग पेयर पूछा गया तो 3 पेयर्स इसका आंसर होगा, आंसर सी. अब असम्पशन रीडिंग के क्वेश्चंस हैं. इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एनएरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये सही बात है. यीस्ट में जो फर्मेंटेशन होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिससे कि इथेनॉल बनता है. इथेनॉल इज द मेन प्रोडक्ट. रीजन, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज रॉन्ग. तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, सी इज द आंसर. कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, सही बात है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द ब्लड, ये बात भी ठीक है कि वो एफिनिटी फॉर द ब्लड जो है वो ज़्यादा है. दोनों बातें अलग अलग ठीक हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट है, मतलब रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना. तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा. असर्शन इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, ये बात गलत है. एंड रीजन, इट इज बिकॉज सीव ट्यूब्स आर एबसेंट इन फ्लोएम. तो ये बात भी गलत है, इसमें हमको ऑप्शन डी दे रहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. तो यही हमारा ऑप्शन टू बी चूजन है. डार्क फेज रिएक्शंस टेक प्लेस एट नाइट. एक्चुअली डार्क फेज जो होता है वो आपको मैं याद दिला दूं, अगर आपने देखा हो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपने ध्यान दिया हो कि डार्क फेज जो प्रोसेस होती है उसका मतलब होता है कि जब सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती. ये फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है और लास्ट पार्ट है जिसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन होता रहता है. तो ये बात ठीक है, डार्क फेज रिएक्शन टेक्स प्लेस एट नाइट, जब सनलाइट नहीं होता तो उस समय डार्क फेज रिएक्शंस होती हैं. डार्क फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, हेंस कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ये बात भी ठीक है ना. मतलब डार्क फेज रिएक्शंस रात में हो रही है इन एब्सेंस ऑफ, बेसिकली देखो डार्क फेज रिएक्शन है ना उसका ऐसा है कि वो उसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती,
तो रात को ही होती है ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रात को हो सकती है, ये बात सही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। तो इसलिए ये रीजन जो है, ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ये हम इसमें आंसर लिखेंगे। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी, सही है, एंड किडनीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडिंग वाटर एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन वही है, और किडनीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडिंग वाटर एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को देख लें, कि एडिंग वाटर हमको का मतलब यह है कि हम यूरिन की बात कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे यूरिन वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो एक हिडन टर्म है इसमें, तो असर्शन ठीक तो है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। अब हमको यहाँ पे 46-50 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, उसमें केस मिला है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड फ्लोएम, नोन एज फ्लोएम। बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस आल्सो। दीस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स fruits and seeds and to growing organs. The translocation of food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward directions. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation of phloem is achieved by utilizing energy, मतलब कि वो active transport होता है। Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. ये चीज हमने एक क्वेश्चन में भी देखी थी। This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored in the root and stem tissue would be transported to the buds, which need energy to grow. ठीक है, तो the transportation of materials in phloem requires amino acid, food, water, energy. तो हमारा option यहाँ पे होना चाहिए energy. Energy के बिना ये काम नहीं हो सकता. This is active transport. 47 देखें, the translocation of food in plants take place in upward direction only, downward direction only, leaves only, both in upward and downward direction. इसी के लिए energy की जरूरत पड़ती। The components which help in the translocation process in plants are amino acids, seed tube and companion cell, fruit seeds. B is the correct option. इनके थ्रू ही होता है। The phenomenon of transportation of food in plants in its dissolved form is called translocation. A is the correct option. And which of the following vascular tissue is responsible for the transportation of soluble products of photosynthesis, that is phloem? So, easy. Basically, these are the questions. Which needs to be, अगर आपको ये questions करने में बिल्कुल भी problem नहीं हुई, हालांकि बहुत difficult question थे भी, सीधे सीधे question है, पर largely आपको board exam में ऐसे ही question पूछे जाते हैं। तो pattern से life processes के questions 50 important question हमने कर लिए हैं। इससे पहले हम जो cases कर रहे थे वो भी हमने life processes से ही लिए थे। ठीक है, तो ये life processes के revision का part रहा। कल हम किसी दूसरे चैप्टर के बारे में इसी तरह से बात करेंगे। थैंक यू।